चलिए अब हम लोग लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। सो गाइस, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या है ये क्वेश्चन में, जनरली हमें दो लीनियर इक्वेशन दिया जाता था, मगर यहाँ पर ये क्वेश्चन में एक ही लीनियर इक्वेशन दिया गया है। ये क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन एक ही लीनियर इक्वेशन दिया है यहाँ पे। तो ये एक लीनियर इक्वेशन लेके हमें दूसरा लीनियर इक्वेशन निकालना है, और जब हम लोग दूसरा लीनियर इक्वेशन निकालेंगे, ये देखना है कि कौन सा, ये देखना है कि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। एक है इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरा है पैरेलल लाइंस, और तीसरा है कोइंसिडेंट लाइंस। तो गाइस चलिए एक एक करके हम लोग ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करके सेकंड लीनियर इक्वेशन निकालेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बोल देता हूं कि बुक में जो आंसर है और हम लोगों का जो आंसर आएगा वो वेरी होगा, क्योंकि कुछ भी लीनियर इक्वेशन हो सकता है। कभी भी मेरा जो लीनियर इक्वेशन मैं जब निकालूंगा, आप जो निकालेंगे, वो एक ही नहीं होगा, दूसरा भी कुछ हो सकता है। देयर आर एन नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, बहुत सारे लीनियर इक्वेशंस रहेगा, तो हम लोगों का आंसर बुक के आंसर के साथ बिल्कुल मैच नहीं होगा। फिर भी हम लोगों का आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि हम लोग जिसके आधार पर ये आंसर करेंगे, उसके आधार अगर ठीक रहा तो हम लोगों का आंसर डेफिनेटली ठीक ही होगा। चलिए हम लोग अभी इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या बोल रहा है। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। हम लोगों को इंटरसेक्टिंग लाइंस के ऊपर एक लीनियर इक्वेशन निकालना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। गाइस आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंडीशन क्या होता है। जब लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तभी कंडीशन क्या रहता है। हमें पता है कि जब लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तभी दो लीनियर इक्वेशन का जो रेशियोज है वो इसी तरह रहता है। ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू। ये कंडीशन अगर फुलफिल हो गया तो हम लोगों का जो लीनियर इक्वेशन रहेगा वो लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट करेगा, तो उसका एक यूनिक सोल्यूशन रहेगा। तो ये कंडीशन के आधार पर हम लोग चलिए सेकंड लीनियर इक्वेशन निकालते हैं। सेकंड लीनियर इक्वेशन निकालने से पहले हम लोगों को दिया गया लीनियर इक्वेशन को पहले नोट कर लेते हैं। 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, और इसमें से हमें पता है ये ए वन है, ये बी वन है, ये सी वन है, और इसको एज यूजुअल मैं पहले लिख लेता हूँ ग्राफिकल फॉर्म में, एक टेबुलर फॉर्म में मैं लिख लेता हूँ ताकि हमें ये कन्फ्यूजन ना करे। तो जैसे मैं बोला, इसको मैं हमेशा एक टेबुलर फॉर्म में डाल देता हूँ, और यहाँ पर है ए वन बी वन सी वन। ए वन का वैल्यू 2 है, बी वन का वैल्यू 3 है, सी वन का वैल्यू माइनस 8 है। तो आगे हम लोग, ये लीनियर इक्वेशन नंबर 1 है, ये लीनियर इक्वेशन 1 है जो कि हम लोगों को क्वेश्चन पे दिया गया है। अभी हम लोगों को सेकंड लीनियर इक्वेशन निकालना है। जो सेकंड लीनियर इक्वेशन निकालेंगे उसको ध्यान में रखते हुए निकालेंगे, जैसे कि ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू होना चाहिए, तभी जाके हम लोगों का लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे, ये कंडीशन फुलफिल होगा। तो हम लोगों को पता है कि ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू क्या है, बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू क्या है, ये निकालना है। अभी ए वन बाई ए टू और बी वन बाई बी टू अभी निकालना है। हमें ए वन का फिगर मालूम है, यहाँ पे ए वन है 2, उसका डिवीजन में क्या है पता नहीं है, उसको निकालना है। बी वन का वैल्यू यहाँ पे 3 है, उसका डिवीजन का वैल्यू क्या है हमें पता नहीं है। तो चलिए हम लोग कौन सा भी एक लीनियर इक्वेशन निकाल लेंगे जिसमें से जो भी हो, जब भी हम लोग रेशियोज करेंगे, ए वन बाई ए टू शुड नॉट बी इक्वल टू बी वन बाई बी टू होना चाहिए। अगर मैं इसी तरह से कुछ लिखूंगा, 3x plus 4y अगर लिखूंगा, 3x plus 4y minus 7 is equal to 0, मैं कुछ भी एक लीनियर इक्वेशन लिख लिया इसको ध्यान में रखते हुए, तो अगर 3x plus 4y minus 7 मैं लिखा, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, आप लोग इसको कुछ भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ये ले लिया आपको ये भी लेना है, ये ले सकते हैं, मगर
ये नहीं है तो आप दूसरा कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ए टू हो गया, बी टू हो गया, सी टू हो गया। अभी इसको ग्राफिकली इसको ऐसे ही टेबुलर फॉर्म में डाल देंगे। मैं हमेशा ये सब इक्वेशंस का जो निकालते हैं ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू टेबुलर फॉर्म में डाल देता हूं ताकि हम लोग कंफ्यूजन ना हो। तो ए टू का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे 3 आ गया, बी टू का वैल्यू हमें यहाँ पे 4 आ गया, सी टू का वैल्यू -7 आ गया। अभी हम लोग को ए वन मिला था 2, ए टू क्या है 3 मिला, बी वन मिला था 3, बी टू क्या मिला 4 मिला। अगर ये दोनों को आप लोग देखेंगे यहाँ पे ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, बी वन बाई बी टू कैसे, दैट इज हम लोग का ए वन बाई ए टू था 2/3 विच इज नॉट इक्वल टू 3/4। इसीलिए हम लोग ये लीनियर इक्वेशन अभी निकाल दिए जो लीनियर इक्वेशन से हम लोग का लाइन इंटरसेक्ट हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हम लोग का ये लीनियर इक्वेशन है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हम लोग का सेकेंड लीनियर इक्वेशन क्या है, यही है सेकेंड लीनियर इक्वेशन 3x + 4y - 7। ये हम लोगों का आंसर नंबर 1 हो गया, ये आंसर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर 1 हो गया। ये आंसर होने के बाद हम लोग अभी सेकंड क्वेश्चन को मूव करते हैं। चलिए सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, पैरेलल लाइंस चाहिए, क्वेश्चन को पैरेलल लाइंस चाहिए, तो हम लोग एक पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। चलिए पैरेलल लाइंस ड्रॉ नहीं करेंगे, पैरेलल लाइंस का इक्वेशंस निकालेंगे। पैरेलल लाइंस का इक्वेशंस क्या रहेगा, पहले हम लोग लिख लेते हैं पैरेलल लाइंस। होप गाइस अभी तक आपको पता चल गया होगा कि कौन से रेशियोज कैसे होना चाहिए पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस का रेशियोज हमें जैसे कि पता है, जब पैरेलल लाइंस होता है तो रेशियो कुछ इस तरह रहता है, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। ये अगर होगा तो यहाँ पर ये पैरेलल लाइंस हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पैरेलल लाइंस निकालते हैं। हम लोग का फर्स्ट लीनियर इक्वेशन क्या था, 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0 था, और यहां से हमें मिला था a1 b1 और c1। गाइस यहां पे मैं आप लोगों को एक आसान तरीका बोल देता हूं, हमें चाहिए a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2। तो जो लीनियर इक्वेशन नंबर 1 है उसमें से मैं 3 मल्टीप्लाई कर लेता हूं। मैं 3 कर रहा हूं, आप कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले a1 b1 जो वैल्यूज है उसी में 3 मल्टीप्लाई करता हूं, c1 को कुछ दूसरा ले लेते हैं। तो अगर 3 में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आप 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो 3 × 6x + 9y, ये दोनों फिगर मैं ले लूंगा, तो हम लोग का a1 b1 इक्वल आ जाएगा। और माइनस इंस्टेड ऑफ 8 मैं ले लेता हूं 16 ले लेता हूं, ऐसे कुछ ले लिया। बट फर्स्ट दो a1 b1 जो था उसमें 3 मल्टीप्लाई करके a2 b2 मैंने निकाल दिया, तो ये हम लोगों का हो गया a2 b2 और c2। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि ये कैसा होता है। मैं क्योंकि कौन सा भी लीनियर इक्वेशन आप ले सकते हैं, मगर इतना सोच के लेना नहीं चाहिए, इसलिए मैं क्या किया 3 मल्टीप्लाई कर लिया। आप लोग चाहिए 4 मल्टीप्लाई कर सकते हैं या 5 कर सकते हैं, एक्स वाई जेड जो भी है आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a1 b1 c1 और यहाँ पे a2 b2 c2 हम लोग डाल देंगे, a2 b2 c2 b2 c2। a1 क्या है 2 है, b1 क्या है 3 है, c1 है -8, a2 क्या है 6 है, b2 क्या है 9 है, c2 क्या है 16 है। अभी हम लोग रेशियोज निकालेंगे। हम लोगों का रेशियोस ऐसा होना चाहिए कि a1 by a2 is equal to b1 by b2 and is not equal to c1 by c2। ये रेशियो होगा तो हम लोगों का लाइंस पैरेलल ही रहेगा, कभी टच ही नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे पहले a1 by a2 निकालता हूँ। a1 by a2 is equal to 2/6, that is equal to 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, ये हो गया हम लोगों का। फिर b1 by b2, B1 by B2 क्या होगा 3/9, that is equal to 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। अभी C1 by C2 हम लोग निकालते हैं, C1 by C2
by C2, that is equal to minus 8 by minus 16, that is equal to 8 by 16, that is equal to 8 ones are 8, 8 twos are 16. क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए माइनस 8 बाई माइनस 16 हम लोग का हो गया 8 बाई 16, फिर 8 वन जा 8, 8 टू जा 16. तो गाइज ये अगर आप लोग देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू. दैट इज हम लोग का ए वन बाई ए टू क्या था, 1 बाई 3, विच इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू 1 बाई 3, एंड विच इज नॉट इक्वल टू 1 बाई 3, दैट इज 1 बाई 2, सी वन बाई सी टू. तो इसीलिए हम लोगों का ये पार्लर लाइन आ गया, ये पार्लर लाइन का कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया. तो हम लोगों का ये केस में जो लिनियर इक्वेशन है, पार्लर लाइन के केस में जो लिनियर इक्वेशन है, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको थोड़ा हाईलाइट करके दिखा देंगे ताकि क्वेश्चनर को, एग्जामिनर को पता चले. तो पार्लर लाइन्स के केस में हम लोग जो लिनियर इक्वेशन लिए, पार्लर लाइन्स, ये केस में हम लोग का सेकेंड लिनियर इक्वेशन ऐसा है, 6x प्लस 9y माइनस 16, ये मैं लिया. अगर आप लोग भी जो लेंगे कुछ दूसरा भी ले सकते हैं, ये हो गया, जो भी लेना है आप लीजिए, मगर कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. कंडीशन क्या था, ए वन बाई ए टू इज नॉट इज इक्वल टू, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू. इसी तरह से हम लोगों का पार्लर लाइन्स का सेकेंड लिनियर इक्वेशन मिल गया. अभी थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट में हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि, थर्ड पॉइंट में क्वेश्चन बोल रहा है कि कोइंसिडेंट लाइंस चाहिए. हम लोग अभी ये कर दिए इंटरसेक्टिंग लाइंस, पार्लर लाइंस हो गया. अभी ये थर्ड कोइंसिडेंट लाइंस हमें निकालना है. चलिए, कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है रेशियोज, ये भी हमें पता है गाइज. आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा कि कोइंसिडेंट लाइंस में रेशियोज कैसे होना चाहिए, ये सब दिमाग में हम लोग का रहना चाहिए. कोइंसिडेंट लाइंस में हम लोग का रेशियोज कैसा होना चाहिए, ए वन बाई ए टू, पहले मैं लिख लेता हूं कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंट लाइन बोले तो दोनों लाइन एक के ऊपर एक चला जाएगा, कोइंसिडेंट लाइंस, उसको कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं. तो कोइंसिडेंट लाइन में हम लोगों का कंडीशन रहता है ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू. यही कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तो ये हम लोगों का कोइंसिडेंट लाइन रहेगा. तो चलिए देखते हैं, हम लोग का फर्स्ट लिनियर इक्वेशन क्या था, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और यहां से हमें मिला था a1 a2 a1 b1 और c1, और इसको भी हम लोग ग्राफिकल टेबुलर फॉर्म में डालेंगे. तो टेबुलर फॉर्म में जब डालते हैं हमें क्या मिलता था, a1 b1 a1 b1 c1, ए वन था 2, बी वन था 3 एंड सी वन था माइनस 8, और ये हमें मिला था लिनियर इक्वेशन नंबर 1. ये है लिनियर इक्वेशन नंबर 1 जो कि 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. अभी हम लोगों को लिनियर इक्वेशन 2 निकालना है, जहां पे हम लोग ऐसा निकालना है, जब हम लोग रेशियोज निकालेंगे तभी होना चाहिए, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू. एक सबसे आसान तरीका होगा, ये जो लिनियर इक्वेशन नंबर 1 है उसी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई आप कर लीजिए कम्प्लीटली, जो नंबर आएगा वही हम लोगों का रेशियोज इक्वल आ जाएगा ऑटोमेटिकली. जैसे कि मैं अगर इसमें अभी अगर मल्टीप्लाई करूंगा, मानो मैं अभी इसमें 3 मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे कि ऊपर 3 मल्टीप्लाई किया था, अभी यहाँ पर भी मैं एक बार 3 करता हूँ, 3x, 3 इंटू 2x इज 6x प्लस 9y माइनस 24. ऊपर हम लोग क्या किए थे, मैं ये जो कॉन्स्टेंट वैल्यू था उसमें 3 मल्टीप्लाई नहीं किया था, एक दूसरा कुछ वैल्यू ले लिया था, मगर यहाँ पे ये सारे के सारे सबको मैं 3 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ताकि आप देखिए हम लोग जो निकालेंगे अभी ये तीनों के तीन रेशियोज इक्वल हो जाएगा, बी टू सी टू. मैं 3 मल्टीप्लाई कर लिया, आप 4, 5, 6, 7 जो भी चाहिए आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो देखिए अभी ये रेशियोज को मैं इस तरह से थोड़ा रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, a2 b2 और c2. ए टू का वैल्यू क्या है, 6, बी टू का वैल्यू 9 है और सी टू का वैल्यू माइनस 24 है. चलिए अभी रेशियोज निकाल के ये भी हम लोग चेक कर लेंगे, और ये है हम लोग का लिनियर इक्वेशन नंबर 2 जो हम लोग अभी निकाले हैं. तो पहले चेक करके प्रूफ कर लेंगे,
ताकि हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू इज इक्वल टू क्या है? ए वन बाई ए टू टू डिवाइडेड बाई सिक्स दैट इज इक्वल टू टू वन जार टू टू थ्री जार सिक्स। बी वन बाई बी टू थ्री डिवाइडेड बाई नाइन दैट इज इक्वल टू थ्री वन जार थ्री 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 जार नाइन। सी वन बाई सी टू क्या है? माइनस एट डिवाइडेड बाई माइनस ट्वेंटी फोर दैट इज इक्वल टू एट बाई ट्वेंटी फोर दैट इज इक्वल टू एट वन जार एट एट टू जार सिक्सटीन एट थ्री जार ट्वेंटी फोर। तो यहाँ पे हमें क्या मिला? ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू। कैसे हुआ? ऐसे हुआ हम लोगों का वन बाई थ्री इज इक्वल टू वन बाई थ्री इज इक्वल टू वन बाई थ्री। तो ये कंडीशन हम लोगों का सेटिस्फाई हो गया। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स लेके अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक के ऊपर ये एक ग्राफ चला जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। तो हम लोग इसका कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, इसका कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कोइंसिडेंट लाइंस का। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए हम लोगों का सेकेंड लीनियर इक्वेशन क्या मिला था हमें? हम लोग क्या किए थे? मल्टीप्लाई कर लिए थे थ्री में। आप लोग कुछ किसी में भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट लीनियर इक्वेशन पे। जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है किसी नंबर लेके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो आप लेके रेशियोज निकालेंगे तो हम लोगों का कोइंसिडेंट लाइंस आ जाएगा। नाइन वाई माइनस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू जीरो, यही है हम लोगों का सेकेंड लीनियर इक्वेशन जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा। होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये बहुत ईजी था। बट फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।